हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम EMRS का जो आपका एग्जाम होने वाला है, जैसा कि आपको मालूम है अंतिम के 3 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें हम CBSE के द्वारा क्वेश्चन जो पूछे गए थे 2023 में, वो हम करने वाले। तो अंतिम 3 दिन है दोस्तों, जान लगा दो या जाने दो। या तो भाई पूरी जान लगा दो 3 दिन, कम से कम 15 15 18 18 घंटे पढ़ लो, जितना भी हो सकता पढ़ लो। लास्ट 3 दिन है, फिर ये वापस लौट के नहीं आने वाले। या फिर जान लगा दो या जाने दो, छोड़ दो, और आएंगे और भरेंगे, क्या करना है, हमें तो जॉब चाहिए नहीं है ना। तो अंतिम 3 दिन में बिल्कुल जान लगा दो। इस सेशन में हम इंग्लिश, हिंदी और जीके के तीनों सब्जेक्ट के हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने वाले हैं। 2023 में लेटेस्ट पैटर्न जो CBSE के द्वारा पूछा गया था वो हम करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद हम 4 सेक्शन करेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर भी ऐड हो जाएगा। मैथ्स के लगभग एक एक आपका पार्ट बचा हुआ है, तो वो भी आपको आज ही मिल जाएगा, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। बाकी ये हमारे प्ले लिस्ट बनी हुई, हमारे स्मॉक प्ले लिस्ट, और यहाँ पर अपडेट्स वगैरह दिया थी। ये हमारा सेकंड चैनल है जीके वाला, यहाँ पर आपकी क्लासेस वगैरह चल रही है, ठीक है। मैथ्स की तो कितना 18 क्लास टोटल आपकी हो चुकी है ना। और ये हाँ, एक लेटेस्ट मैंने वीडियो अभी बनाया कि आपकी जो OMR शीट होगा कैसे, जैसा कि आपको मालूम है आपका जो एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन होने वाला है, तो भाई जब एग्जाम में जाएंगे तो OMR जो शीट है उसको किस तरीके से भरना है, सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है, अगर आप एक गलती करते हैं तो एग्जाम से डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, है ना। अभी बता दूंगा कहाँ मिल जाएगी। एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए इस वीडियो को देख के डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम वगैरह में सारी लिंक्स मैंने डाल रखी हैं, है ना। इंग्लिश का सुबह पेपर कराया था, आपके बहुत सारे रिकमेंड आ रही थी, तो वो भी देख लेना। और अभी हम सेकेंड पेपर करने वाले हैं। कंप्यूटर के टोटल 8 क्लास हैं, और अभी हाँ कल के दिन आपको कंप्यूटर के लिए कम से कम 700 से 800 क्वेश्चन की मैं एक धमाकेदार वीडियो लेके आने वाला हूँ, और उसी में से आपके 90% तक जो क्वेश्चंस आपको उसी वीडियो में देखने को मिलेगी, तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म वाला वीडियो जब देखे है ना, एक क्वेश्चन पक्का है भाई यहाँ से, है ना। चलिए, और कंप्यूटर की थोड़ी 18 क्लास हमारी आ चुकी है, संधि की 2 सेकंड क्लास आई थी, और कंप्यूटर की 2 क्लास हो चुकी है, ठीक है, मतलब मॉक पेपर वाली। बाकी ये सारे वीडियोज रह ले तो ये देख लेना, बस ये वाला वीडियो जरूर देखिए ना, कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर ऑल 3 शिफ्ट के 2019 के, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियो है, ठीक है। PDFs वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाती है। चलिए, और मैंने बताया ना आपको ये वीडियो कहाँ मिलेगी, जो हमारा सेकंड चैनल द एग्जाम हेल्पर जी के, यहाँ पर देखिए CI की 18 वीडियो, कंप्यूटर की 8, हिंदी की 2nd क्लास, तो ये सारा आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा जो हमारा मेन चैनल जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, ये वीडियो डाले हुए, OMR शीट कैसे चेक करना है, एडमिट कार्ड आउट हुआ उसको कैसे चेक करना, तो जाके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा ये हमारे टेलीग्राम है, यहाँ पर अपडेट्स वगैरह, ये PDFs वगैरह डली हुई हैं आपकी, है ना, कोई भी अपडेट होती है यहाँ पर मिल जाती है। ये लिंक्स वगैरह डली हुई हैं, आपको कैसे डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड वगैरह, सारा कुछ जानकारी यहाँ पर मिली है। ये हमारा द एग्जाम पर जीके चैनल है, यहाँ पर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वगैरह डाल, ये हमारे इसके बारे में, ये कंप्यूटर की PDFs वगैरह, संधि नोट्स, है ना, हिंदी के रिटर्न नोट्स वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पर डाल रखा है। और कल GK की भी मैं धमाकेदार एक सीरीज लाने की कोशिश करूँगा, तो उसे भी देखना ना भूलिएगा। तो चलिए, अब हम अपना जो पेपर है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो देखिए दोस्तों, ये आपका जो पेपर होने वाला है दोस्तों, इसको चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा थिकनेस कर लेते हैं। चलिए, तो ये KVS जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का 1st मार्च का 2nd शिफ्ट का पेपर होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको मालूम है ये जो भी आपके एग्जाम होने वाले, जैसे लैब अटेंडेंट है ना, आपका हॉस्टल वार्डन हो गया, आपका अकाउंटेंट हो गया, तो इंग्लिश का CBSE के द्वारा जो पेपर पूछने का पैटर्न है वो किस तरीके का है, किस लेवल तक के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके आपको एक आइडिया लग जाएगा। अंतिम समय में मॉक पेपर ही आपको करने चाहिए, जिससे आपको आइडिया लगता है किस तरीके के पेपर आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए, उसी तरीके से हम पेपर यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए, आपके जो सिलेबस है ना, जो भी ये सिलेबस है पूरा JSA वगैरह का, उसमें आपको पूछा जाएगा पैसेज, अनसीन पैसेज, तो इस तरीके का कुछ पैसेज आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका स्टोरी बेस्ड रहेगा, कुछ स्टोरी चल रही होगी, अगर आप उस स्टोरी को समझ जाते हैं तो आप उसके जो क्वेश्चन है उनको इजीली आप कर पाएंगे। ओके, चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों, पैसेज हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, 1 सेकंड रुकेगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम कहाँ पर थे कि पैसेज आता है आपका एक, जो कि 3 से 4 मार्क्स का आपका आने वाला है इन सभी एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो पैसेज में फर्स्ट पैराग्राफ हमें दिया गया था कि एवरी स्कूल हैज अ कैंटीन, यानी कि सभी स्कूल के पास एक कैंटीन होती है, लगभग होती है ना, बट द कैंटीन इन माई स्कूल हैज सम स्पेशल क्वालिटी, बट जो मेरे स्कूल में कैंटीन है ना, वो भाई स्पेशल है, उसका बोलना ही है, कोई बालक है वो बोल रहा है इस तरीके से, सम स्पेशल क्वालिटी, इट इज़ अ मिक्सर ऑफ बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज, यानी कि उसके पास आधुनिक जमाने के जो खाने हैं, जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, ये भी है, ये सब खाना बहुत हानिकारक होता है, मत खाइएगा, एक ट्रेडिशनल वैल्यूज है उसमें,
यानी कि राइस, कढ़ी, चावल, है ना, जो हमारा देसी चने वगैरह इस टाइप का, मतलब वो चने फ्राई करके देते हैं ना, वो चीज़ है ना, तो एक वो चीज़ है। इट इज़ सिचुएटेड इन अ कॉर्नर ऑफ द स्कूल, यानी कि उसका स्कूल की बिल्डिंग है मान के चलिए SCH, और यहाँ कॉर्नर पे कहीं उसका कैंटीन है, ओके, ये मान के चलिए वो बोल रहा है ऐसा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना, एक एक जो ऐसे यहाँ पर ब्रेक लग गया, फिर यहाँ पर पॉइंट पे ब्रेक लगा के इस चीज़ का मतलब निकालने की कोशिश करना है। हिंदी मीडियम वाले छात्रों को दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको पढ़ने का तरीका बोल रहा हूँ। आप ऐसे मत पढ़िएगा कि पढ़ते जा रहे हैं एवरी स्कूल एज अ कैंटीन माई स्कूल है, नहीं, तोड़ तोड़ के पढ़िए। वो क्या बोला, एवरी स्कूल एज अ कैंटीन, इसका मतलब समझ लो हिंदी में कि हर स्कूल की एक कैंटीन होती है, बट द कैंटीन इन माई स्कूल एज सम स्पेसिफिक क्वालिटी। तो ये मैंने थोड़ा पढ़ने का आपको आइडिया दे दी, ठीक है, चलिए चलिए। तो क्या बोला वो, इट इज सिचुएटेड इन द कॉर्नर ऑफ द स्कूल, सच दैट इट इज इट्स स्मेल, स्मोक, स्टीम एंड साउंड डू नॉट रीच द ऑफिस, लाइब्रेरी और क्लासरूम टू कॉज एनी डिस्टर्बेंस। यानी कि उसके जो भी खाना पकाने के स्मोक है, स्मेल है, धुआं है, साउंड है, कुछ भी जो है उसका हमारे स्कूल के आसपास नहीं पहुंचे। स्कूल में जो भी ऑफिस वगैरह है ना, हॉल्स वगैरह है, क्लासरूम्स है, लाइब्रेरी, वहाँ पर किसी भी तरीके की उसकी कोई भी चीज़ नहीं पहुँच पाती, इससे कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होता है। ओके, चलिए, सॉरी। इट कंप्राइजेस अ वास्ट बिल्डिंग, वो क्या है, एक बड़ी सी बिल्डिंग में शामिल है। देयर इज़ वन सेंट्रल हॉल, जिसमें एक सेंट्रल हॉल है फॉर सर्विंग रिफ्रेशमेंट, यानी कि नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक, चाय वगैरह इस टाइप का, है ना। चलिए, देयर आर सेपरेट रूम फॉर द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ एंड बॉय एंड गर्ल स्टूडेंट, यानी कि अगर आप टीचर्स के लिए अलग रूम है, बच्चे लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग रूम है। द कॉन्ट्रैक्टर हैज हिज ओन रूम ओवर लुकिंग द हॉल, और उसका जो एक कॉन्ट्रैक्टर होगा ना, मान के चलिए भाई क्या होगा कि जो भी हॉल होगा, ये मान के चलिए वो कैंटीन है, ठीक है, ये क्या है, कैंटीन है, थोड़ा विजुअलाइजेशन में बता रहा हूँ आपको। ये मान के चलिए ये जो उसका वो है ना मैनेजर, जो मैं कॉन्ट्रैक्टर कह लो या मैनेजर कह लो, ये उसका हॉल है, और ये कैसा है इसका, देखिए यहाँ बोल रहा है ओवर लुकिंग द हॉल, यानी कि यहाँ से वो सब कुछ देख सकता है। मान के चलिए ये एक ऑफिस यहाँ पे, ये बॉयज़ का ऑफिस है, मतलब बॉयज़ के लिए हॉल है, ये गर्ल्स के लिए है, ये स्टाफ के लिए, यहाँ से ये ग्लास विंडो है, यहाँ से सब दिख रहा है इसे। ये मान के चलिए किचन में खाना बना रहे लोग, यहाँ कुछ सामान रखा है, यहाँ से कुछ भी सामान है ना, तो यहाँ से सबको निगाह से देख रहा है ना, सब कुछ इसके अंडर में। देखिए क्या बोल रहा हूँ, एज द रूम्स आर सेपरेटेड बाई ग्लास वॉल्स, और सभी रूम कैसे हैं, कांच के ग्लास लगे तो आर पार उसमें देखा जा सकता है। ही कैन ईजिली कीप अ वॉच ओवर ऑल द रूम्स, वो सभी रूम में ईजिली देख सकता है। टू रूम्स फॉर कुकिंग पर्पज आर ऑन वन साइड ऑफ द बिल्डिंग, तो टू रूम्स जो है ऐसे इस तरीके से, एक एक साइड है बिल्डिंग के जो कि कुकिंग कुकिंग करते हैं वहाँ पर, ठीक है। सेकंड पेरा हमसे बोलता है, देयर इज अ विग शोकेस डिस्प्लेइंग ऑल द टेबल सेटअप, जैसे आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं वहाँ दिखा देते ना, मैकडोनल्ड का बर्गर इतने का, पिज्ज़ा इतने का, इस तरीके की चीज़ें है ना। चलिए, इन द कैंटीन वी कैन गेट कोल्ड ड्रिंक्स, हमें कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है यहाँ पर, स्वीट्स मिलते हैं, कन्फेक्शनरी आइटम्स मिलते हैं, टी एंड कॉफ़ी मिलती है, ओके। आइसक्रीम्स ऑफ आइडियल ब्रांड्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन समर, यानी गर्मियों के समय में जो मतलब फेमस ब्रांड होते हैं उनकी आइसक्रीम मिल जाती है। द रेट्स आर रीजनेबल, रेट्स भी ठीक ठाक हैं, एंड द कॉन्ट्रैक्टर इज़ अ जॉली पर्सन, और कॉन्ट्रैक्टर जो है बहुत ही मतलब हंसी मजाक का, मतलब खुश मिजाज बंदा है वो, है ना, इस तरीके से। देर इज़ अ ग्रेट रश फॉर रेस्ट ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग इंटरवल, जैसे हमारे अपन स्कूल जाते थे तो लंच होता था, तो कोई भी जैसे बाहर ठेला वगैरह है या कैंट स्कूल के अंदर कोई दुकान है या कोई कहीं से कुछ बेचने आ गया, तो क्या बच्चे उसको घेर लेते थे, अरे भाई भाई मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे पैसे ले, मेरे पैसे ले, इस तरीके से, इस तरीके से। चलिए भाई, हम सरकारी स्कूल वाले हैं तो हमारे यहाँ पे समोसे बेचने वाले आ गए, कोई चने बेचने वाले आ गए, गरीब लोग ही आते थे हमारे पास, ठीक है। चलिए, द वेटर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्व ऑल एंड दैट टू सो क्विकली, मतलब कि द वेटर था फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्व ऑल एंड दैट टू सो क्विकली, यानी कि वेटर वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी काम करते थे और सर्व करने में उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। एट अदर टाइम्स द नंबर ऑफ विजिटर्स इज एवरेज, मतलब कभी और अन्य समय पर, ठीक है, एक तो इंटरवल इंटरवल के समय में क्या होती थी, बहुत भीड़ होती थी, क्योंकि इकट्ठे बच्चे आते हैं, 400 बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, 400 में से 200 भी वहाँ पहुँच गए तो कितनी बड़ी बात हो गई ना, तो वो चीज़ है। बट जो नॉर्मल टाइम होता है, सुबह का टाइम है, शाम का टाइम, वहाँ तो बच्चे नहीं आएंगे, तो वहाँ एवरेज एवरेज लोग आते थे, मतलब कम संख्या में लोग आते थे। ड्यूरिंग द वैकेशन, वैकेशन के दौरान द कैंटीन हैज़ फ्यू विजिटर्स ओनली, और जब स्कूल की छुट्टी रहेगी तो उसके तो सीधे 200 से 300 लोग कट गए ना, तो उस पर डेली के जो 50-100 ग्राहक आते हैं वो ही आ रहे होंगे, है ना। चलिए, द कैंटीन इज़ अ प्लेस फॉर रेस्ट एंड एंटरटेनमेंट बट इज़ ऑल्सो अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर र्यूमरस एंड गॉसिप्स, ठीक है, यानी कि
वहाँ पर आप एंटरटेनमेंट कर सकते, रेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रीडिंग मतलब आराम से मस्ती हंसी मजाक के लिए, गॉसिप बातें करने के लिए, तो वो भी वहाँ पर प्लेस था। तो ये उसका पूरा मतलब कहना चाह रहा है कि भाई हमारे स्कूल के बगल में कैंटीन है, उसमें ये सुविधा है और वहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं, कभी कभार आते हैं, और खाना वगैरह भी ठीक ठाक मिल जाता है, मैनेजर भी उसका ठीक ठाक है। इस तरीके से उसने सारी चीज़ें बता दी। तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्कूल कैंटीन, यानी कि स्कूल कैंटीन के बारे में कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। वो पूछा नॉट ट्रू, है ना, गलत है मतलब सत्य नहीं, यानी गलत है। द कैंटीन ओनर इज अ प्लीजेंट टेम्पर्ड पर्सन, तो बिल्कुल भाई टेम्पर्ड पर्सन था, प्लीजेंट यानी खुशमिजाज था, जॉली पर्सन मानी खुशमिजाज था ना, यहाँ बोला ना उसने, कहाँ बोला, हाँ यहाँ पर खुशमिजाज पर्सन था, ठीक है, तो ये बात तो सत्य हुई भाई। द कैंटीन रूम्स आर सेपरेटेड बाय वुडन, नया बॉल क्या थे उसके, ग्लास बॉल के थे, है ना, ग्लास बॉल के, तो ये हो गया अपना गलत। द स्मेल्स एंड साउंड्स ऑफ द कैंटीन रीच द, ना वो पहुँचते ही नहीं थे, ऊपर साफ साफ बोल रहा है कि मतलब उसकी जो आवाज़ है वो कहाँ गया, अरे कहाँ गया भाई, हाँ ये देखिए कॉज एनी डिस्टर्ब, मतलब आवाज़ पहुँचती नहीं थी, तो केवल हमारा ए सही है। देखिए ए इज़ करेक्ट बट बी एंड सी आर इनकरेक्ट, ओके। तो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, एक बार आपने पैसेज पढ़ लेना, सबसे पहले पैसेज पढ़ना है और उसका आइडिया समझना कि वो क्या बोलना चाह रहा है। इसके बाद क्वेश्चन बहुत ईजिली होगी। देखिए अगला क्वेश्चन है द कुकिंग रूम्स आर सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड सिचुएटेड थे, ऑन वन साइड ऑफ द बिल्डिंग, मैंने बताया था ना कि जो किचन है उसके वन साइड बिल्डिंग के, देखिए मैं कहाँ बता रहा था, यही कहीं था ना उसका, ये वन साइड ऑफ द बिल्डिंग है ना, कुकिंग पर्पज़ के जो रूम थे, तो ये हमारा सही हो गया, ओके। तो इतना ईजी होता है जब आप एक बार पढ़ लेते हैं ना, तो इतना आसान होता है। वैन डू द वेटर्स फाइंड इट ईजियर टू वर्क, तो वेटर जो था वो ये बोलना चाह रहा है, अब ये देखिए इसके लिए थोड़ा आपको पैसेज जब तक नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। बोला वैन डू द वेटर फाइंड इट ईजियर टू वर्क, मतलब वेटर के समय सबसे आसान काम किस समय होता था, वो ये बोला, तो ड्यूरिंग हॉलीडेज, क्योंकि भाई डेली तो 200-300 बच्चे आ रहे, हॉलीडे में कौन आएगा, 40-50 ग्राहक आ गए तो आ गए भाई, तो उसको बेटर को क्या करता, वो इजी इजी हो जाता उसके लिए काम करना, ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन था द स्कूल कैंटीन इज अ प्लेस नॉट नोन फॉर, द स्कूल कैंटीन इज अ प्लेस नॉट नोन, वो किस लिए नहीं जानी जाती थी, कॉस्टली ईटेबल एंड ब्रांडेड आइसक्रीम्स, ब्रांडेड आइसक्रीम तो थी बट कॉस्टली नहीं था, रीजनेबल था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट नोन, नॉट नोन तो ये करेक्ट, रेस्ट एंड एंटरटेनमेंट इसके लिए तो जानी जाती थी भाई, है ना, बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल ये भी था उसके अंदर, र्यूमरस एंड गॉसिप कर सकते थे आप, बट क्या नहीं था, कॉस्टली आइटम नहीं थी, ब्रांडेड आइसक्रीम भी थी बट कॉस्टली ईटेबल्स नहीं थी, है ना, मतलब महंगी चीज़ें नहीं थी, सस्ती थी, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट नोन हो जाएगा, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि इन द पैसेज द फ्रेज ऑफ द फ्रेज ब्रीडिंग प्लेस डिनोट्स, ब्रीडिंग प्लेस किसको डिनोट करती थी, अ सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन, है ना, गॉसिप वगैरह करना, जान पहचान करना, इस तरीके का, तो ब्रीडिंग प्लेस सॉरी, तो हमारी तो फ्रेज इडियम फ्रेज होती है उसमें इस तरीके की, आपको पैसेज के अंदर भी पूछे तो ब्रीडिंग प्लेस का क्या मतलब था, ब्रीडिंग प्लेस का वो यहाँ पर बोल रहा है ना, देखिए तो गया एंटरटेनमेंट, बट इज ऑल्सो ब्रीडिंग प्लेस फॉर र्यूमरस एंड गॉसिप, र्यूमरस एंड गॉसिप्स का मतलब होता है कि कुछ बातें करना, गॉसिप्स करना, आपस में जानकारी प्रदान करना, हंसी मजाक करना, कुछ भी मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन की बात करना, वो चीज, तो अ सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन, ओके, ये हो जाएगा, है ना, एनिमल ब्रीड ये तो हो ही नहीं सकता, क्राइम हाँ ये तो हो नहीं सकता, अब बर्थ साइड ये भी नहीं, लो ऑप्शन भी अगर आप इन्हें एलिमिनेट करने गए तो आपको वहाँ से चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है, पैसेज पढ़ ले हो तो। चलिए अब आपसे अपोजिट मीनिंग पूछा है इस वर्ड का, ड्वर्फ, जो ड्वर्फ माने होता है दोस्तों बोना, ड्वर्फ माने बोना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जाइंट, जाइंट माने क्या होता है, बहुत बड़ा, है ना, ड्वर्फ कितना होता है, बोना सा इतना सा आदमी, जाइंट कितना होगा, इतना सा आदमी, ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। कनिंग, कनिंग का मतलब होता है धूर्त, कपटी, है ना, चालाक, इस तरीके से, तो इसका सेम मीनिंग पूछा है, यानी कि सिनोनिम पूछा है, तो सिनोनिम हो गया सिलाई, सिलाई का मतलब भी होता है धूर्त, कपटी, चालाक, है ना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल वर्ड, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया था, डैश आई यूज योर सेल फोन एज आई सीम टू हैव फॉरगेटन माइन, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपना भूले हूँ, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डू आई यूज, ये तो बनेगा ही नहीं भाई, है ना, डू आई यूज़ क्या होता है, डू आई यूज़ योर सेल फोन, ये तो कुछ समझ नहीं, शुड, शुड तो मतलब चाहिए ही चाहिए, है ना, करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा थोड़ा ना कि भाई फोन लेके उससे बात करनी चाहिए, ऐसा थोड़ा, मैं लगाते हैं अपन कि मे आई यूज़ योर, सर मे आई कम इन, इस तरीके से आपको आ रहा होगा, है ना, मे आई कम इन, मे आई गो टू टॉयलेट, तो मे आई यूज़ योर सेल फोन, समझ गए, बुरा लगेगा नहीं क्योंकि पास्ट तो है नहीं है, ये प्रेजेंट पर चल रहा है ना, चलिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला देखिए क्वेश्चन फिर से फिल इन द ब्लैंक्स का है। इसमें आपसे आर्टिकल्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आर्टिकल्स कौन सा पेड़ लेगा। तो देखिए टेक डैश अम्ब्रेला विच हैज डैश ऑरेंज कलर्ड हैंडल। तो भाई हमें अब देखिए यहाँ पर निश्चित चीज होगी, कौन सा अम्ब्रेला, टेक द अम्ब्रेला विच हैज एन, क्योंकि ऑरेंज कैसे लिखोगे ऐसे, तो भाई एन तो बनेगा बनेगा, एन तो आना ही आना है निश्चित। तो देखो द कट गया पीछे से, ए कट गया पीछे से, अब ये हो सकता है ये, बट यहाँ आ रहा है ए अम्ब्रेला, टी का अम्ब्रेला बिच एज एन ऑरेंज कलर, वो डेफिनेट कर दिया भाई, जो ऑरेंज कलर का केवल वही लेना, तो द लगेगा डेफिनेट के लिए करना द, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ओके चलिए सॉरी दोस्तों थोड़ा गला खराब है। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन प्लम्बर फिक्स। प्लम्बर अब सबको मालूम है प्लम्बर क्या करता है, जो हमारे नल का सामान होता है ना, नल का टोटी वगैरह हो गई, पाइप वगैरह हो गए, है ना, जो भी किचन से रिलेटेड हो गया या जो भी पानी से रिलेटेड सामान होता है, टंकी वगैरह जो भी, वो प्लम्बर फिक्स करता है, ठीक है। तो कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो प्लम्बर फिक्स कर सकता है, सिंक, सिंक जरूर कर सकता है, किचन में सिंक होती है वो, फॉकेट, फॉकेट का मतलब होता है टोंटी, नल की टोंटी जो होती है वो, तो वो भी ठीक करता है, यानी कि बोथ वन एंड टू आपका सही हो जाएगा। तो फॉकेट यहाँ पर अच्छा वर्ड था, फॉकेट का मतलब है टोंटी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज नॉट बीन स्पेल्ट करेक्टली, यानी कि ऐसा कौन सा वर्ड जो कि सही नहीं लिखा हुआ है, यानी कि रॉन्ग स्पेल्ट हमें ढूंढनी है। तो ब्यूरोक्रेसी सही लिखा है, एडुलेशन चापलूसी सही लिखा है, कमिश्नर भी सही लिखा है ना, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है ऑफिशियल, आईएएस आईपीएस लोग जो होते हैं वो, ठीक है। बेनिफिशियल कर लिखा है, बेनिफिशियल की जो स्पेलिंग होती है वो इस तरीके से आती है ना, बेनिफिशियल, ई की आई की जगह ई सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही स्पेलिंग होगी। ओके चलिए अगला बोला आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन पैसेज, यानी कि इस ये क्या है और ये क्या है ये आपको बताना है। तो जिस भी वर्ड के पीछे मैंने बताया था एल वाई लगा हुआ, तो वो क्या हो जाता है, और ऑलरेडी एडवर्ब हो जाता है, तो पहला वाला तो एडवर्ब, एडवर्ब चूज कर लो। चलो तो देखिए ये गलत, ये गलत, ये हो सकता है, ये हो सकता है। चलिए अब लास्ट बोल रहा है कि एडवर्ब के साथ देखिए, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, एंड हैवीली क्लॉथेड देन मी विथ क्लॉथेस, है ना, देन मी मेरी तुलना में, तो तुलना कर रहा भाई, प्रपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है ना, देन क्लॉथ, देन मी विथ गोल्डन क्लॉथ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ब, वर्ब तो हो ही नहीं सकती भाई, देन या तो प्रपोजिशन होगा या कंजक्शन होगा, कंजक्शन वाला हो नहीं सकता, तो बचा प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन विधि, ऑप्शन एलिमिनेशन विधि, है ना, यानी कि ऑप्शन के थ्रू हम आंसर निकालेंगे, इसको बोलते हैं। जब हमें क्वेश्चन से ना समझ में आए तो हम आंसर के थ्रू, जैसे मैंने पहले ही पकड़ ली कि एल वाई लिखा है, एल वाई हमारे मेरे को पता चल गया भाई, एडवर्ब देखो ये तो पहले काट दिया, ये काट दिया, ये बचा, ये बचा, फिर लास्ट में देख ले देन क्या हो सकता है भाई, वर्ब तो हो नहीं सकता कैसे भी जाके, प्रपोजिशन होगा या कंजक्शन होगा, तो प्रपोजिशन आंसर हो गया। इस तरीके से आप चीज़ों को जो है इजिली वे में हैंडल कर सकते हो, ठीक है। चलिए चलिए अगला है दोस्तों, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वर्ड मीनिंग पेयर, यानी कि कौन सा इनमें से गलत, एक तो उसका वर्ड दे रखा है सामने, उसकी मीनिंग दिख रही है, हमें गलत देख रहा है कि गलत मतलब किसका। तो रिप, रिप मत, आई आर आई पी जो होती है किसी के शोक, शोक मनाने के लिए करते हैं ना, है ना, शोक में दुख जताना, टीयर, टीयर माने हुई आंसू हैं, तो दुख की बात हो रही होगी, है ना। हैवॉक, हैवॉक माने होता है डिस्ट्रक्शन, डैमेज, और यहाँ पर वही मतलब उसके लिए डैमेज, ठीक है। हैंगर, हैंगर में मतलब आप शिप वगैरह रखते हैं, बहुत बड़ा जो है हवाई जहाज वगैरह जिसमें रखे जाते हैं हैंगर में, वो चीज़ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अ लार्ज शेड, बिल्कुल सही है। अब यहाँ सॉलिटरी और ग्रुप, ये मैच नहीं करता, सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला व्यक्ति, और ग्रुप में तो ग्रुप ही हो गया भाई, है ना, तो ये हमारा सही आंसर है, सॉलिटरी यानी अकेला, और ग्रुप माने, ग्रुप माने दो, दो से अधिक लोगों का ग्रुप है ना, तो कुछ ही, तो इसके लिए आपको मीनिंग्स आनी चाहिए, है ना। चलिए अगला है दोस्तों, कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, क्या ऑप्शन में सही है। तो आई एम नेवर, आई एम, भाई चल जाए ना, आई एम नेवर डैश माई ड्यूटी एज अ प्रोफेशनल, तो आई एम नेवर नेग्लिजेंट इन माई ड्यूटी एज अ प्रोफेशनल, ठीक है, तो मैं नेग्लिजेंसी नहीं दिखाता, आई एम नेवर नेग्लिजेंट इन माई ड्यूटी, मैं अपने कर्तव्य में जो मेरा प्रोफेशनल जो मेरा वर्क है उसमें मेरे कर्तव्य में नेग्लिजेंट यानी कि लापरवाही नहीं बरतता हूँ, किसमें, माई ड्यूटी में, है ना, तो ड्यूटी में लापरवाही, ना कि ड्यूटी के द्वारा लापरवाही, ड्यूटी के लिए लापरवाही या ड्यूटी पर लापरवाही नहीं होगा, ड्यूटी में लापरवाही नहीं बरतता। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट्स, पार्ट या पार्ट्स ऑफ स्पीच, आइडेंटिफाई द पार्ट और पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट इज आर इनकरेक्ट, तो कौन सा इनमें से इनकरेक्ट वो आपको देखना है। व्हेन एवर लीव्स इज वर्न्ड,
अब देखो लीव्स, लीव्स का मतलब होगा पत्तियां भाई, है ना। लीव होगी तो एक, और लीव्स है तो पत्तियां, इस कहाँ से लगा दी भाई, आर लगाओगे ना तो पहले ही गलत हो गए लोग। इन द ओपन मतलब जब भी, यहाँ से क्लियर कर दें थोड़ा। चलिए देखिए, मतलब वेन एवर लीव्स आर बर्न्ट इन द ओपन, मतलब जब भी आप खुले में पत्तियों को जलाते हैं, द एयर गेट लेडन विथ टिनी पर्टिकुलर मैटर, टाइनी छोटे 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 आपको देखा होगा धुएं के समान हो जाते हैं ना। तो भाई अब देखिए, अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ए वाला ऑप्शन चूज कर लो, सी खत्म, ओनली ए, ये भी हो सकता है, ए, तीनों में से कोई भी हो सकता है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए, इन द ओपन, ये भी सही लग रहा भाई कि जब भी हम खुले में पत्तियों को जलाते हैं, द एयर गेट लेडन विथ टाइनी पर्टिकुलर मैटर, तो ये भी सही है। तो भाई हमारा देखो डी तो सही है भाई, तो ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि हमें गलत ढूंढना है। अब बचा सी और ओनली ए, तो भाई सी में कहीं ना कहीं गड़बड़, द एयर गेट लेडन, ये थोड़ा सा दिक्कत आपको पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपका जो ए और सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, टू एडजेक्टिव्स आपको फाइंड करने हैं इन गिवन सेंटेंस, पूरा सेंटेंस लिखा आपको, टू एडजेक्टिव फाइंड करने हैं। तो एडजेक्टिव के पीछे आपका ओ यू एस लगता है, ए एल लगता है, कॉमा आई वी ई लगता है ना, ये थोड़ी एडजेक्टिव की पहचान होती है वर्ड के लास्ट में, ओ यू एस वगैरह ए एल। तो देखिए ओ यू एस है, ठीक है, चलिए मान गया, इसमें आई एन जी है। अब आई एन जी जो फॉर्म लगती है, ये वर्ब में भी लगती है और आपके किस में लगती है, और एडजेक्टिव में भी कभी कभी एडजेक्टिव का काम भी करती है। तो भाई यहाँ तो चलो ठीक है, ठीक है, इसमें समझ में, क्लाइंबिंग, बट अगर हम देखें एज अ वर्ड इसको, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग हमें हम क्रिया कर रहे हैं, चढ़ने की क्रिया कर रहे हैं, तो ये तो वर्ब की तरह आ गया भाई, है ना, आई एन जी लग गया तो वर्ब की तरह हो गया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा खत्म, क्योंकि हमें दो चाहिए, दो एडजेक्टिव देखना, ठीक है, टू एडजेक्टिव्स, ठीक है। डेंजरस ओ यू एस देखा, चलो एक मिला, आई वी ई देखा, चलो दूसरा मिल गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए इन स्पाइट, ये तो प्रोपोजिशंस होता है भाई, तो यही नहीं सकता ना। चलिए अवेलेबिलिटी, ये टी वाई लगेगा, यहाँ नाउन हो जाता है, टी वाई जो होगा वो नाउन होता है, ठीक है, एम ई एन टी होगा नाउन होगा, तो इस तरीके से पहचान करना होता, टी वाई होगा नाउन होगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। चलिए अगला देखते हैं, पिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स पुली और शॉक्स अप, है ना। पुली और शॉक्स अप का मतलब है कि भाई आप जूते पहने थे, है ना, जूते पहने थे इस तरीके से, जूते पहने थे, सही बना लिया भाई जूता, है ना, हाँ, यहाँ पर आपके सॉक्स जो थे वो यहाँ से उतर रहे थे, है ना, तो बोला सॉक्स को ऊपर कर ले भाई, ऊपर की तरफ चढ़ा ले, यानी कि ऐसा ऐसा मान के चलिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई 3 दिन बचे हैं तो ज़्यादा पढ़ो, तो मतलब अपने आप को टाइट कर लो बिल्कुल, है ना, टाइट कर लो, इम्प्रूवमेंट लाओ अपने अंदर। तो क्या बोला, पुल योर सॉक्स अप, यानी कि टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, ठीक है, 3 दिन बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, तो टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, इसका मीनिंग होता है पुल योर शॉक्स अप का, ठीक है। मैंने ट्रिक्स के माध्यम से कह दिया कि अपने मोजे को सही कर लो, यानी ऊपर की तरफ खींचो, यानी कि परफॉर्मेंस में क्या करो, ऊपर इंप्रूव करो, इंप्रूव, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, टू गेट रेडी नहीं होगा भाई, है ना, ये नहीं होगा, टू स्टार्ट अ टास्क ये भी नहीं होगा, टू कंप्लीट अ टास्क ये भी नहीं होगा, इसमें कौन सा हम कंप्लीट टास्क कर रहे हैं, है ना, वो तो हम ऑलरेडी पहने हुए हैं। अगला है, चूज द अप्रोप्रिएट सेट ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस यानी सर्वनाम जो होते हैं उसका अप्रोप्रिएट पेयर ढूंढिए, जो कि यहाँ पर भी फेड हो यहाँ पर भी। अब तो देखिए, डैश आर द टू पेयर्स ऑफ पैंट्स विच माई ब्रदर बॉट फॉर डैश, भाई विच माई ब्रदर, मेरा ब्रदर बोल रहा है, तो मेरे लिए ही लाया हुआ मेरा ब्रदर, तो भाई मी ढूंढो, मी इसमें है, माइन आता नहीं क्योंकि लास्ट में आता है, मतलब माइन वो मेरा अधिकार जता रहा है उस पर, आज होगा नहीं, मी हो सकता है, तो ये हो सकता है। अब देखिए, दीज आर टू, टू पेयर्स है तो भाई दीज लगेगा, है ना, दैट नहीं लगेगा, दीज लगेगा, ठीक है। तो दीज आर टू पेयर्स ऑफ पैंट्स, ये दो जोड़े हैं पैंट के बीच, जो कि मेरा ब्रदर लाया है मेरे लिए, यानी मी, ठीक है, तो पहला आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है, रियल रीऑर्डर से आता है ना, तो इसमें क्या करना है आपको दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऑप्शन के थ्रू चले आना, क्योंकि तो आपके पास टाइमिंग बहुत है, तो इसमें क्या करना, ऑप्शन के थ्रू आप इसको चेक करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए तो हम पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं, चलिए एक सेकेंड, इसका आंसर कैसे मिट गया, ये भी होता है क्या भाई, चलिए देखिए इसमें क्या करना है, हम ए से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो नेचर प्रेजेंट्स बिफोर सी, नेचर प्रेजेंट बिफोर अ पास्ट पेनारोमा ऑफ ब्यूटी एंड ट्रैंक्विलिटी अवर आइज, मतलब ये कुछ समझ में नहीं आ, नेचर प्रेजेंट्स बिफोर अ पास्ट पेनारोमा, किसके बिफोर, किसके पहले भाई, समझ में नहीं आ रहा है ना। अगला देखिए, डी से स्टार्ट कर सकते हैं, अवर आइज नेचर प्रेजेंट बिफोर, ये क्या है भाई, ये तो कुछ सेंस ही नहीं दे रहा। सी से स्टार्ट करते हैं, अ पास्ट पेनारोमा ऑफ ब्यूटी एंड ट्रैंक्विलिटी
नेचर प्रेजेंट बिफोर अवर आइज, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। देखिए बोला, अ वास्ट पैनोरोमा ऑफ ब्यूटी एंड ट्रैंक्विलिटी, नेचर प्रेजेंट बिफोर, ये कुछ समझ में नहीं आया। अब लास्ट वाला देखते हैं कि नेचर प्रेजेंट्स बिफोर अवर आइज, नेचर जो है हमारी आंखों के सामने प्रेजेंट करता है किसको, अ वास्ट पैनोरोमा ऑफ ब्यूटी एंड ट्रैंक्विलिटी, है ना, शांति और सुंदरता का नेचर जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा विशाल दृश्य हमारे सामने प्रेजेंट करता है, कौन, नेचर हमारी आंखों के सामने। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, तो आपका चौथा नंबर आंसर सही हो जाएगा। ही यूजुअली कट्स माई हेयर डैश बट टूडे ही वॉज डैश देन द लास्ट टाइम, मतलब यह तुलना कर दी, तो तुलना के लिए हम क्विकली लगाएंगे, है ना, क्विक नहीं लगाएंगे, क्विकली नहीं लगाएंगे, क्विकर ईयर लगता है तुलना के लिए, है ना, ही वॉज बेटर देन मी, ही वॉज टॉलर फॉर मी, तो ईयर लगेगा सबसे पहली बात, तो क्विकली लगेगा, तो आंसर तो ये हो गया, ही यूजली कट्स माई हेयर क्विकली, अक्सर वो क्या करता है मेरे हेयर जल्दबाजी में काटता है ना, बट टूडे ही वॉज, भाई उस दिन से भी फास्ट में काट रहा था, कोई कर दे अंदर लास्ट टाइम, ठीक है, उस दिन से भी बहुत फास्ट में काट रहा था, तुलना कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा इंग्लिश हो गया, अब हम देख लेते हैं हिंदी। ठीक है, हिंदी पे हम चलते हैं यहाँ से, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा दोस्तों, है ना, थोड़ा सा रुकिएगा। दोस्तों अब हम हिंदी पढ़ लेते हैं, ठीक है, चलिए, तो हिंदी में भी आपको मालूम है दोस्तों, आपका एक पैसेज आने वाला है, ठीक है, आपका कहने वाला है, एक गद्यांश आने वाला है जो कि आपके सिलेबस में, ठीक है, तो हम इतिहास पढ़ते हैं तो पाते हैं कि हमारी सभ्यता में दार्शनिकों ने प्रारंभ से ही अपने अंदर झांकना, अपने को पहचानना शुरू कर दिया था, यानी कि जब हम अपना इतिहास देखें तो हमारे जो दार्शनिक लोग थे उन्होंने क्या, अपने अंदर झांकना और अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए, ऐसी भी सभ्यताएं हैं जो भौतिक जगत की ओर देखती हैं और प्रगति को GNP और GDP के रूप में नापती हैं, परंतु शुरू से ही हमारा आग्रह भीतर की ओर झांकने का रहा है, सचमुच का आनंद कहाँ मिल सकता है यह जानने के लिए हमारे पुरखों ने अंदर की ओर ही झांका है। मतलब देखिए, एक होती है सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ये बेसिकली जो कहने वाला है सेटिस्फैक्शन, यानी कि सचमुच का आनंद, भाई सचमुच का आनंद मीन्स सेटिस्फैक्शन, मान के चलिए कोई IPS है ना, अब उसने शुरुआत में जो जो उसमें तो IPS बन गया या IAS बन गया, बट उसके ऊपर इतना बर्डन आ गया ना कि फिर उसे वो काम बेकार लगने पड़ा, बट कहीं ना कहीं अगर उसके पीछे की केवल उसे IAS बनना, IPS बनना, ये इच्छा रही होगी कि मुझे भौकाल बनाना है और इस तरीके से चीज़ें करनी है, तो उसे उसका काम जो है वो बर्डन लगता होगा, कैसा लगता होगा, बर्डन लगता होगा, बट उसके अंदर कहीं ना कहीं ये भावना होगी कि कल को मैं IAS बनूंगा, कल को मैं IPS बनूंगा, तो मुझे लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा, क्या मिलेगा, लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा, अगर ये भावना उसके अंदर रहेगी ना, तो उसका कितना भी काम हो, 24 घंटे का ही कोई ना काम हो, उसे मजा आएगा, क्योंकि उसको, उसने अपने अंदर को पहचान लिया है, उसे पता है कि मुझे IAS क्यों बनना है, IPS क्यों बनना है, कुछ, क्योंकि मुझे लोगों की सेवा करनी है। ठीक है, तो उसे क्या है, उसे मिल गया सेटिस्फैक्शन, अब वहीं लोग बन गए भाई, IAS बनेंगे, भोपाल जाएंगे और अंधाधुंध ऊपर का पैसा कमाएंगे और ये और वो, बस फिर वो बर्डन आता है उनके ऊपर, फिर वो जो क्या है, अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं, फिर जो उसके नीचे हैं उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, है ना, और कोई भी आम जो पब्लिक है, आम नागरिक है, उनके पास जाता है तो उनसे भी वो बदसलूकी से बात करते हैं। ठीक है, तो अगर उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए तो उसके पीछे की कहानी ये होगी, केवल उसे जॉब चाहिए तो फिर वो तो आनंद ही नहीं है, वो फिर किसके रूप में, GNP और GDP के रूप में देख रहा है अपनी चीज़ को, कि उसने पैसा कितना बढ़ रहा है। ठीक है, यही चीज़ है। ठीक, चलिए, तो गद्यांश के अनुसार आनंद क्या है, हमारे अपने अंदर है, देखिए बोला ना, सचमुच का आनंद कहाँ मिल सकता है यह जानने के लिए हमारे पुरखों ने अंदर की ओर ही झांका। तो देखिए, जैसे ही आप गद्यांश को पढ़ के उसका आंसर समझ लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ईजिली लगने वाली है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हमारी सभ्यता ने आनंद को क्या माना है, कि अपने अंदर ही हो जाए। ठीक है, बोला ना कि जब हम इतिहास पढ़ते तो हमारी सभ्यता में दार्शनिकों ने प्रारंभ में ही अपने अंदर झांकना शुरू करे, तो सर्वोपरि लक्ष्य माना ये तो है नहीं, भौतिक विकास में कुछ नहीं, भौतिक तो अभी के लोग हैं, ऐसी भी सभ्यता जो भौतिक जगत, बट वो लेटेस्ट है। ठीक है, चलिए, प्रगति का मानक माना नहीं, अपने अंदर ही खो जाए, हमारी सभ्यता ने जो आनंद है उसको कहाँ खो जाए, अपने अंदर ही खो जाए। ठीक है, अपने को पहचानना शुरू करा, अपने अंदर झांकना शुरू करा। चलिए अगला है, अंदर झांकने से क्या तात्पर्य है, अंदर झांकने से तात्पर्य है अपने आप को पहचानना। ठीक है, यही तो है ना, अपने अंदर झांकना यानी कि अपने आप को पहचानना, कि हम कितने पानी में हैं, है ना, हम किस तरीके के व्यक्ति हैं, हमारा नेचर क्या है, यही होता है अपने आप को जानना। और अब अगर आप अपने आप को जान गए तो आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप जान गए कि भाई मैं क्या हूँ, मुझे नौकरी क्यों करनी है, मेरा क्या लक्ष्य था, मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ,
तो आप बिल्कुल अपने आप को पहचान चुके हो। ओके चलिए अगला है, कुछ सभ्यताएं ऐसी भी हैं जो भौतिक जगत को महत्व देती है, ऐसा लिखा ना, ऐसी भी सभ्यताएं जो भौतिक जगत की ओर देखती है। ठीक है चलिए ये भी आंसर हो गया आपका, देखिए तुरंत आंसर मिलते हैं, एक बार पैसेज पढ़ लिया आपने तुरंत आंसर मिलेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द है, मतलब ये चार ग्रुप दे रखे हैं, इसमें से एक कोई भिन्न है, जैसे हम, हमारे, हमारी, यहाँ पर वी अज अवर है ना, वी अज अवर है ना, इसकी बात हो रही है, हम, हमारे, हमारी, जो भी है। हद, हद तो एक अलग ही चीज़ हुई ना भाई, ये तो एक अलग ही, हद मतलब जिद करना, हद करना, इस टाइप का ना। चलिए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, येल्लो वाला जो है आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था अलंकार से, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलतल में, पंक्ति में क्या है? भाई सबको मालूम है अनुप्रास अलंकार है, जहाँ वर्ड की आवृत्ति रिपीट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, चा 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 आ गया ना इसलिए। ओके चलिए सॉरी दोस्तों थोड़ा गला खराब है, थोड़ा देखिएगा फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, सोचिए। और रात के बज रहे हैं लगभग शायद 11:30। चलिए निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम मैंने बताया था, ठीक है, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, और एक होते हैं तद्भव। यहाँ थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, अगर मैं हो सकेगा तो आपको अपने नोट्स वगैरह डाल के है ना, वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है फिर भी आ सकता है, तो दिक्कत हो सकती है, मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन, तत्सम मतलब होता है संस्कृत के समान, संस्कृत के समान, यानी कि ओल्ड पैटर्न है ना, ओल्ड पैटर्न के बारे में इतना समझ लो ना, तत्सम यानी समान, सम यानी कि संस्कृत के समान, ठीक है, सा से सम, सा से सम, तद्भव यानी उद्भव, उद्भव यानी कि नया वर्ड है ना, जो लेटेस्ट पैटर्न, यानी कि आजकल के ज़माने में जो न्यू वर्ड आ गए हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मतलब होता है ये, तत्सम ये होता है, तद्भव ये होता है, हमसे पूछा तत्सम, तत्सम यानी संस्कृत का वर्ड होना चाहिए या ओल्ड पैटर्न पर होना चाहिए, देखते हैं कौन सा भाई, चलिए सॉरी दोस्तों, ठीक है। दूसरा, दूसरा तो आजकल बोलते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, पहले क्या बोलते थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो ये संस्कृत का शब्द है, दूब, दूब भी नया है, डंक भी नया है ना। चलिए तो हमारा पुराना कौन सा है, द्वितीय, ठीक है, बिल्कुल संस्कृत निष्ठ शब्द है, ठीक है, ओल्ड पैटर्न पे। अगला देख लीजिए सॉरी दोस्तों थोड़ा गला ज्यादा खराब हो रहा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो दोस्तों इसमें तद्भव शब्द कौन सा, तद्भव मैंने अभी बताया था न्यू पैटर्न यानी कि उत्पन्न शब्द, न्यू पैटर्न का शब्द, देखते हैं, दंत, दंत तो यार पहले बोलते हैं, आजकल हम क्या बोलते हैं, दांत बोलते हैं है ना, देव, देव भी पहले बोलते थे, अब तो देवता बोलते हैं है ना। चलिए दिवस, दिवस पहले बोलते थे, आजकल हम क्या बोलते हैं, दिन बोलते हैं। डसना, डसना क्या है, नया शब्द है, ठीक है, डसना क्या है, नया शब्द है, शायद ओल्ड में इसको मेरे को पता नहीं, पर शायद ऐसा कुछ डंसना है, ऐसा कुछ बोलते होंगे ना इस तरीके, पर डसना क्या है, डस लिया मेरे को, तो डसना है लेटेस्ट सब, पहले शायद ऐसा कुछ होता है, दसना ऐसा कुछ करके। ओके चलिए अब देखिए तत्सम तद्भव बहुत आए थे केवीएस में, तत्सम तद्भव का सही मेल क्या है, तो देखिए धूली, धूल, पहले धूली होती थी, अब क्या होती है, धूल होती है ना, तो चलिए ये हो गया आपका नया। ओके मतलब ये तत्सम तद्भव का सही मेल हो गया। ओके चलिए द्विज का अर्थ पूछा है, यानी कि पर्यायवाची होता है, बेसिकली पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है कि द्विज के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, तो दोस्तों द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला, तो एक तो ब्राह्मण है, एक पक्षी है और एक चंद्रमा है, ये कैसे हैं, इनके अर्थ होते हैं दो बार जन्म लेना, यहाँ देखिए दो आ गया, दो मतलब नहीं होता, दो बार जन्म लेना होता तो ये वैसे ही कट गया, लो खत्म कहानी, तो ब्राह्मण, पक्षी और चंद्रमा, दैट इज दो बार जन्म लेते हैं। अंक का अर्थ नहीं है, तो अंक का अर्थ कौन सा नहीं है, संख्या होता है, गोद होता है, अध्याय होता है, स्याही नहीं होता, स्याही होता है इंक, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, खून चूसना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो खून चूसना मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों, अगर चलिए यार कराने की कोशिश करूँगा दोस्तों आपको, अगर नहीं हो पाता है तो मैं देखता हूँ, अपनी पूरी कोशिश करूँगा है ना, बाकी देखते हैं दोस्तों क्या हो सकता है क्या नहीं, पूरी कोशिश मैं आपके लिए करूँगा, अगर हो सकेगा तो ठीक है, नहीं तो अपने नोट्स डाल लूँगा, ठीक है, टेलीग्राम पर ले लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। खून चूसना मतलब शोषण करना बेसिकली है ना, जब पत्नी के द्वारा पति का खून चूसा जाता है, पत्नी क्या करती है, पति का क्या करती है, खून चूसती है, तो क्या कर रही है पत्नी, बेसिकली पति का क्या कर रही है, शोषण ही तो कर रही है भाई, हमारा शोषण ही तो हुआ है ना। चलिए कपटी व्यक्ति के भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है, देख लो भाई, कपटी, सलाय धूर्त, ऊपर मैंने बताया था ना, सलाय धूर्त कनिंग, दैट इज कपटी, कपटी व्यक्ति के भाव को व्यक्त करने वाली लोग,
दाल भात में मूल मसूल चंद, आगे नात ना पीछे पगा, अंधेर नगरी चौपट राय नहीं, मुंह में राम बगल में चुरी। कपटी व्यक्ति है, कपट करता है कि भाई अपने सामने तो अपनी अच्छाई बताता है, पर भाई जैसे पीठ पीछे जाएंगे छुरी घोंप देगा पीछे से। कपटी व्यक्ति अपने जलता है वो, समझ रहे ना। चलिए, है ना। आव्रत का ब्लूम शब्द क्या हुआ? अनाव्रत। आव्रत यानी कि रोलिंग, यानी कि कंटिन्यूशन में कोई चीज़। अनाव्रत यानी कि रुकी हुई है बेसिकली, है ना। चलिए, तृष्णा का ब्लूम शब्द क्या है? तृष्णा का बेसिकली होता है प्यास, प्यासा, किसी चीज़ का लालच, है ना, लालच, मोह किसी चीज़ का, तो उसे बोलते तृष्णा। इसका अपोजिट होगा वितृष्णा, वितृष्णा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, महिला का सामान्य बहुवचन रूप क्या है? महिला हो गई एक, और इसका बहुवचन रूप होगा महिलाएं, बहुत सी महिलाएं। ऐसा बोलते हैं कि बहुत सी महिलाओं, नहीं, महिलाओं के लिए कोई योजना चालू की, दैट इज महिलाओं के लिए योजना। अगर हम बोले कि यहाँ एक महिला खड़ी है ना, वहां पर 10 महिलाएं खड़ी हैं, 2 महिलाएं खड़ी हैं, तो महिलाएं होता है, ठीक है, महिलाएं। ओके, चलिए देखिए, ये मैंने आपको मेरे उसमें कराया था ना, सदा प्लस एप की संधि विकसित क्या होगी, तो यहाँ से दा निकलेगा, प्लस बड़ा आ निकलेगा, प्लस ए निकलेगी। मैंने बताया था कि आ और ए मिलके क्या बनाते हैं, आई बनाते हैं, तो यहाँ से दा तो ये रहा, तो इसकी मात्रा चढ़ जाएगी इस पर, दय, और सा आगे का वैसा के वैसा, सदैव ल्यू बन गया, ठीक है। चलिए, अनुवीक्षा भी मैंने करवा रखा था आपसे शायद, है ना। अनुवीक्षा का संधि विकसित क्या हुआ? तो अनु प्लस ईक्षा, देखिए कैसे, तो हमने निकाल दिया ना, पीछे से निकला ऊ, जिसने क्लास देखी होगी भाई उसको सब पता होगा ना, यहाँ से निकला ई, तो हमने एक संधि पढ़ी थी, है ना, तो उसमें था कि ऊ के बाद अगर इससे कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, वा बना लेते हैं, और सब बड़ी की मात्रा है तो ये वी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वी, और आधा ना यहाँ चिपक जाएगा, आगे का आ जुड़ जाएगा, पीछे का ई जुड़ जाएगा, हो गया अनुवीक्षा। लो भाई, स्वर संधि की पैटर्न है, ज्यादातर स्वर संधि से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। शुद्ध वाक्य का उदाहरण है, उसने बोला, ठीक लग रहा है, आप पढ़कर सुनाई, आप पढ़कर सुनाए, आपके बाद फिर वह आया, आपके बाद फिर वह आया, ऐसा नहीं, फिर आपके बाद वह आया, ये गलत है, आपके बाद वह आया, है ना, ये सही है ना, कि आपके बाद वह आया, ये सही है। उसने बोला, किसने बोला भाई, यह तो सेंटेंस ही नहीं बनना ना, कुछ किसने बोला ऐसा कुछ। चलिए अगला है, पीछे पीछे चलने वाले को के लिए एक शब्द क्या होता है? अनुगामी, है ना, अनुगामी यानी कि पीछे पीछे चलने वाला, ठीक है। अनुज एक होता है शायद, अनुज होता है एक शायद, अनुज, अनुज यानी बाद में जन्म लेने वाला या छोटा, तो अनु यानी पीछे चलने वाला, छोटा, बाद में जन्म लेने वाला। चलिए अगर अब हम देख लेते हैं जीके के क्वेश्चन हमारे, ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। चलिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का सर्वोच्च स्थान है? तो वो है जर्मनी। किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, इसने जारी किया था, और जो हाईएस्ट रैंक है वो किसकी है? जर्मनी की है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप यानी कि महिलाओं और पुरुष में जो असमानता है उसको नापने के लिए WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 वाला जारी किया गया था, जिसमें जर्मनी जो है आपका टॉप पर रहा था। इसका मुख्यालय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, आपसे अगर पूछ ले तो वही चांस, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक पैटर्न पता कि लास्ट समय में आप क्या पढ़ के जाएँ, जितने भी आपके इंडेक्स होते हैं ना, जितने भी इंडेक्स होते हैं, है ना, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स है, ये सारे इंडेक्स जो है आपको पढ़ के ना, हंगर इंडेक्स में शायद भारत की 107वीं रैंक है आउट ऑफ 111, और 161 भी है आपकी किसकी, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, हैप्पीनेस की आई थिंक मुझे मालूम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, HDI जिसे हम बोलते हैं, तो ये सारे इंडेक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था आपको कि आप स्पीडी करके एक करंट अफेयर की बुक आती है, उसमें सारे इंडेक्स आपको लाइन से मिल जाएंगे, तो उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पैटर्न ही बता दिया। चलिए अगला देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने भी आपके जो क्या होते हैं संगठन जिसे हम बोलते हैं, है ना, संगठन हुए या जो ग्रुप्स होते हैं ना, जितने भी अभी लेटेस्ट हुआ है, जैसे ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स की अभी लेटेस्ट बैठक कहाँ हुई, है ना, 15वीं साउथ अफ्रीका में हुई थी, इससे पहले 2023 में, 15वीं कहाँ हुई थी, 2023 में, एस फॉर साउथ अफ्रीका, अब होगी, इसका क्रम चलता है ये ब्राजील के पास, बट 2024 में क्या करा ब्राजील ने, कर दिया मना, तो ये आगे खिसक गई, आगे खिसक गई रशिया के पास, तो 2024 की रशिया करेगा, दैट इज 16वें नंबर की ये ब्रिक्स बैठक होगी, ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका।
ओके, ब्रिक्स की स्थापना बोले तो 2009 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। चलिए अब संगठन हुआ, ग्रुप हुआ, जितने अभी जैसे G20 है, इसको G21 बनाने की बात करिए तो G21 में कौन सा ग्रुप शामिल हुआ ये आपको मालूम चाहिए। G20 कब स्टेब्लिशमेंट हुआ, 1999 में, इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसके फीचर्स है वो आपको मालूम है, ठीक है। तो ये, और यहाँ आपसे पूछ रहे, निम्नलिखित देशों में किसने वर्ष 2022 के लिए G7 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। तो G7 की, देखिए जैसे अभी G20 की अध्यक्षता किसने ली, 2023 में भारत ने ली, है ना। कहाँ पर प्रोग्राम हुआ, कैसे प्रोग्राम हुआ, क्या उसका थीम था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। G20 तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्रिक्स भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2022 के लिए G7 की अध्यक्षता यानी कि उसकी प्रेजिडेंसी किसे मिली थी, तो ये मिली थी जर्मनी को। G7 क्या है, ये 7 कंट्रीज का देश होता है। कितनी कंट्रीज है इसमें, 7। इसकी स्टैब्लिशमेंट शायद आप एक बार गूगल सर्च जरूर कर लेना, मुझे जहाँ तक याद है 1975 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। मैं फिर बोल रहा हूँ गूगल कर लेना, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ओके चलिए, G7 देशों के आपको नाम याद करने, तो जूस याद कर लो, जूस है ना, क्या याद कर लो, जूस है ना, जूस गर्लफ्रेंड है ना, गर्ल फ्रेंड, जी आप लिखते हैं ना, गर्ल फ्रेंड ने जूस पिलाया। ओके, ये हुई ट्रिक, क्या हुई ट्रिक। अब देखो कैसे याद कराता हूँ, गर्लफ्रेंड, जी फॉर जर्मनी हो गया, ठीक है, जर्मनी तो यहाँ दिखेगा आपको, एफ फॉर हो गया फ्रांस, ठीक है, फ्रांस हो गया, जे फॉर जापान, यूएसए, यूएसए के बाद इटली, इटली के बाद कनाडा, कनाडा के बाद इंग्लैंड। ओके, ये कनाडा, दिस इज इटली, ठीक है, यू फॉर यूएसए, जे फॉर जापान, ई फॉर इंग्लैंड। ओके, ये सारे इसके हो गए, ठीक है। तो याद रखिएगा, जी 2022 में किसने की, 2023 वाली भी याद कर लेना किसने की, मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, हरिमुख शक्ति। तो अब देखिए, मैंने अभी दो दो आपको टॉपिक बताए, ये सारे करंट के, एक तो संगठन ग्रुप वाला, एक इंडेक्स वाला, ठीक है, ये दो टॉपिक हुआ। तीसरा टॉपिक, इनसे क्वेश्चन बनना भाई, ये क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, 30 नंबर का पेपर आपका, है ना। हरिमुख शक्ति, जितनी भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ये आपको मालूम होनी चाहिए कि इसका नाम क्या है, कब हुई है, कौन सा संस्करण था, कितने नंबर की थी, किन दो देशों के बीच हुई थी। तो हरिमुख शक्ति 2022 में भारत और मलेशिया के बीच हुई थी, और जो हरिमुख शक्ति जो एक्सरसाइज है, ये भारत और मलेशिया के बीच में ही होती है, ठीक है, और 2022 में हुई थी, मतलब भारत और मलेशिया के बीच हुई है, इसने 22 में पूछ लिया था कहाँ हुई थी। ओके, पैदा करा, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से प्रभावी वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो का गठन किया है, इसके कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, मतलब ये ज़्यादा नहीं आता क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, तो इसे हम नहीं पढ़ते हैं, किसी मतलब का नहीं ना, आपके ऊपर वाले मतलब के थे तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए अगला है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि IIB, क्या है IIB, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक, अंतर सरकारी समझौते के आधार पर गठित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। निम्नलिखित रूप में से कौन इस संगठन का सदस्य राज्य नहीं है, तो भारत नहीं है इसका सदस्य राज्य, ठीक है, भारत, रूसी संघ है, चेक गणराज्य, वियतनाम, भारत नहीं है इसका, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, संगठन जितने भी हैं भाई पढ़ के जरूर जाइएगा, ग्रुप्स वगैरह जितने भी हैं पढ़ के जरूर जाइएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, देखते हैं, ये आगे साइंस से, कि अल्जाइमर रोग एक क्षयकारी मस्तिष्क रोग है जिसमें क्रमिक रूप से स्मृति ह्रास होने लगती है ना, तो अल्जाइमर यानी याददाश्त कमजोर होना है ना, तो यही वो चीज़ है ना, डिमेंशिया कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक सिंड्रोम समलक्षण है, तो ये भी सत्य है, दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, COVID-19 से लड़ने के लिए भारत की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन तकनीक को निम्नलिखित में से किस संस्थान ने विकसित किया था, तो इसे किया था सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, किसने किया था, एक तो इसमें CSIR था, CSIR प्लस कौन सा था, सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रो मोलिकुलर बायोलॉजी, एक ये संस्थान थी, तो कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, दो लोगों ने बनाई थी mRNA वैक्सीन, भारत की पहली स्वदेशी, इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है रिपीट हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में हिमालय क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए राष्ट्रीय अभियान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नोडल मंत्रालय है, ठीक है, तो इसके लिए जो आता है वो आता है हिमालय क्षेत्र का जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम जो है वहाँ का, उसे बचाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाया जाता है, जिसके नोडल मंत्रालय कौन है, ठीक है, तो यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है ये यहाँ पर इसका लगता है, ठीक है। ओके चलिए
अगला है दोस्तों सूची वन से सूची टू को मिलाप करना। बोला कि कुछ कलाकार दिए गए हैं, उसके सामने उसके नृत्य दिए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिस्ट होते हैं कला से रिलेटेड होते हैं, डांस फॉर्म हुआ है ना, वो आपको याद रखिए। तो इसमें सही नहीं है, ठीक है। अनीता रत्नम कथकली से सही है, सरिता देवी सत्रिया से है सही है, गोपिका वर्मा मोहिनीअट्टम से नहीं है, ठीक है। दमयंती जोशी भरतनाट्यम से है, ये सही है, ठीक है। चलिए, ओहो बंद होने वाला है, बंद। चलिए अगला है दोस्तों क्वेश्चन, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट शुड, है ना। फिर से देखिए, लोकनाट्य और उसका राज्य, मतलब कौन सा लोकनाट्य किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो भवाई राजस्थान से, इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा सुमेलित है, बिल्कुल। तो भवाई कहाँ और राजस्थान होता है, स्वांग, स्वांग कहाँ होता है, स्वांग आपका देखिए हरियाणा में होता है, ठीक है ना, कहाँ होता है, हरियाणा में होता है, चार में एक बार देख लेना, मुझे याद आ रहा है हरियाणा में होता है। तमाशा महाराष्ट्र में होता है, ठीक है, महाराष्ट्र, ये इस वाले कंफर्म कर लेना थोड़ा। चलिए, मदियत्तु, ये तो नहीं पता भाई कहाँ होता है ना, ये मुझे पता नहीं है, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है। दो तीन तो मेरे को मान लेते हो, भवाई राजस्थान होता है, ये तो मेरे को मानता रही है। चलिए अगला है दोस्तों, सबसे पुरानी घटना वो क्रम में सबसे पहले रखते हुए निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं का सही कालानुक्रम में सजाएं, यानी कि बोल रहा है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई इसमें से, ठीक है, वो आपको बताना है। चलिए तो दोस्तों इसका जो आंसर है, सबसे पहले सी हुई, यानी कि तमिलनाडु में रामास्वामी नायकर के द्वारा स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके बाद ए हुई, बांग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय। तीसरी हुई, ईरान के शाह को पदच्युत किया जाना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, लेवल देख रहे हो, लेवल भाई, लेवल देख रहे हो क्वेश्चंस का, मतलब हवा भी नहीं लगे भाई, आईएएस लेवल के क्वेश्चन देख रहे हो। इस तरीके से कौन क्वेश्चन फ्रेम करता है भाई, तीन तीन स्टेटमेंट देखो ना, ये देखो चार चार क्वेश्चन एक ही उसमें पूछी थी उसने, देखो ये देखो कितने चार चार क्वेश्चन एक ही उसमें, देखो देखो ना भाई, ऐसा कौन पूछता है, इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन, बहुत खतरनाक पेपर आया था कीवीज का, जिसमें से आपका एक तो मैथ्स दूसरा जीके, इन दोनों रुला दिया था, बाकी सारे एवरेज थे। इसी तरीके से आपके ईएमआरएस एग्जाम में कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको रुलाने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पद्म विभूषण अवार्ड की बात की जा रही है, 2022 में किसे मिला, आप 2023 के पूरे रट रट के यहाँ, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सारे, ठीक है। तो 2022 के लिए जो है प्रभा अन्य को पद्म विभूषण दिया गया था, ओके। चलिए करंट अफेयर का था उस समय, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, थोड़ा इंग्लिश में भी दिखा देते हैं, ठीक है, ठीक है। जनजाति आयोग संवैधानिक निकाय हैं, ठीक है, संवैधानिक निकाय हैं, बिल्कुल सही है भाई, क्या है, बिल्कुल संवैधानिक निकाय हैं आपके। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा गलत, ओके। पहला आपका सही है, ये संवैधानिक निकाय है ना। चलिए, इसके लिए एक्ट लाया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए, शायद 1991 या 1992 में एक्ट आया था इसके लिए, एक बार देख लेना पहले। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संसद के संबंध में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। एक अविश्वास प्रस्ताव में निश्चित कारण का होना आवश्यक है जिस पर प्रस्ताव आधारित है, ये तो नहीं हुआ, किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, सही नहीं है, ये सही है भाई, किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है, सही है। अविश्वास प्रस्ताव नियम संगत या नहीं है, संगत है या नहीं है, निर्णय लेने का अध्यक्ष के पास अधिकार होता है, ये भी सही है, सही नहीं है तो ये, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगला है दोस्तों, भारत की संसद की प्राकलन समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इस समिति के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, ठीक है, कौन सा सही नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल होते हैं 30 सदस्य, ठीक है। चलिए, यह वार्षिक बजट अनुमानों की विस्तृत जांच करता है, सही बात है। यह किसी नीति के कामकाज की समीक्षा कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। इस समिति में 20 सदस्य लोकसभा, 10 राज्यसभा से, नहीं पहला वाला सही था, 30 की 30 सदस्य होते हैं कि कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, ठीक है, प्राकलन समिति में। एक समिति और होती है, मेरे को याद नहीं आ रही है, तो क्या था, लोकसभा समिति ऐसा कुछ, लोकलेखा समिति, हाँ लोकलेखा समिति थी। चलिए अगला है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो विधान परिषद याद करने के लिए आप ये याद करिए, जम्मू कट, जम्मू कट, यहाँ यहाँ आपको विधान परिषद मिलने वाली है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र आ गया, यूपी आ गया, देखो महाराष्ट्र आ गया, यूपी आ गया, यहाँ पर है ठीक है, बिहार, कर्नाटका, कर्नाटक होगा ये इसका, बिहार तो ठीक है, कर्नाटक नहीं पता है, आंध्र प्रदेश ठीक है यहाँ पर भी है, और तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में नहीं है ओके, पश्चिम बंगाल विधान परिषद नहीं, इसका देखना यार इसका क्या था, कर्नाटक है या नहीं, और कौन सा स्टेट आता कैसे पता नहीं भाई, है ना, बाकी सही है इसका थोड़ा सा देख लेना कर्नाटक में है या नहीं है ना, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सिल्ट ज्वालामुखी मुख्यतः तो बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, हवाई द्वीप के ज्वालामुखी सिल्ट ज्वालामुखी के उदाहरण, बिल्कुल शील्ड वोल्केनोस ओके। चलिए भाई बहुत खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, ऊपर से हवा भी नहीं लगेगी आपको, तो देख रहे हो जी के काल, है ना, ला नीना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यह अल नीनो का दूसरा नाम है, ये गलत है भाई, अल नीनो अलग है, ला नीना अलग है, ला नीना के अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागरीय व्यापारिक पवन सबल हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 59 द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 के विजेता सुजीत मान निम्नलिखित में से किस खेल के कोच प्रशिक्षक, तो दोस्तों जितने भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं ना, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये आपको पढ़ के जाने, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ना, मेजर ध्यानचंद अवार्ड उसका नाम कर दिया गया है ना, तो ये किससे थे, सुजीत मान कुश्ती से, तो लेटेस्ट करंट अफेयर पढ़ गए, बीसी सुरेश को निम्नलिखित में से किस खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार 2022 मिला, तो वो मिला था कबड्डी के लिए ठीक है, तो ये आपके देखिए अवार्ड से भी क्वेश्चन ढेर सारे पूछे थे, तो यहाँ पर दोस्तों हमने हिंदी करा, इंग्लिश करा, प्लस जीके करा ठीक है, रीजनिंग में इसका नहीं करा रहा हूँ, रीजनिंग जो है मैं आपको एक पूरे 7 सेट एक ही वीडियो में करा दूंगा ठीक है, वहाँ से आपको आइडिया लग गया, वो प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी, इसका मैं कंप्यूटर ऑलरेडी करा दिया था, मैथ्स भी हमने ऑलरेडी करा दिया, टोटल 6 सब्जेक्ट आते हैं, ये हो गए थे, ये मैंने आज करा दिए, ये बचा है मैं एक बार में करा दूँगा ठीक है, तो ये वीडियो देख लेना, और साथ ही साथ दोस्तों है ना PDF यहाँ मिल जाएगी आपको, चलिए और ये सारी वीडियो देख लेना कंप्यूटर के, और ये वाला तो जरूर देख लेना लेटेस्ट ठीक है, OMR शीट किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गलती आपका पूरा एग्जाम निस्तो नाबूद कर सकती है ठीक है, एडमिट कार्ड चेक करके बताना कहाँ पर आपका सेंटर पड़ा हुआ है, ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।